Hi guys, in this video we will discuss operators in Python. So let's start the video. So according to the definition, वैसे आपको पता होगा operators क्या होते हैं, just एक revision के लिए. Operators are used to perform operations on variables and values. ठीक है, simple सी बात है. आपने बहुत सारे operators शायद पहले भी use किए होंगे. Arithmetic operators like plus, minus, logical operators, and और ये सब आपने पहले use किए होंगे अगर आपने कभी भी किसी भी language में programming की होगी. यहाँ पर पाइथन के पर्सपेक्टिव से हम लोग फिर से देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं पाइथन के अंदर. ठीक है, प्रिसाइजली यहाँ पे इतने ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक, कंपैरिजन जिसको आप रिलेशनल बोलते हो, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट, आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स. ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको ये सारे ऑपरेटर्स एक एक करके पाइथन में कोड करके दिखाऊंगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो आपके वेरिएबल्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो आई विल टेक एन एग्जांपल. लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है x और उसका वैल्यू है 5 और एक और वेरिएबल है y और उसका वैल्यू है 2. ठीक है, नाउ यू कैन अप्लाई डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. सबसे सिंपल होता है एडिशन जिसका वैल्यू ये है, उसके बाद होता है सब्ट्रैक्शन, फिर होता है मल्टीप्लिकेशन, फिर होता है डिविजन, फिर होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर. आई गेस आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर पता है, डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा वो मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको देता है. यहां पर एक दो चीजें और होती हैं, जैसे कि यहां पे होता है पावर ऑफ ऑपरेटर. सो x टू द पावर y और इसका आंसर 25 आएगा बिकॉज x वाज 5, y इज 2, तो 5 टू द पावर 2 इज 25. और सिमिलरली एक चीज और होती है, इसको बोला जाता है इंटीजर डिवीजन. सो ये जो है इसको ट्रू डिवीजन बोला जाता है और इसको इंटीजर डिवीजन बोला जाता है. सो बेसिकली आपका जो कोशेंट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया. अगर वो फ्लोट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया. जैसे 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आता है, बट आपने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया तो 2 आ गया. ठीक है, तो इंटीजर डिवीजन यही करता है. सो दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दैट यू हैव इन पाइथन. मैं एक बार समराइज कर रहा हूं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, मॉड्यूलस, पावर ऑफ, इंटीजर डिविजन. ठीक है, सिंपल है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू कंपेरिजन ऑपरेटर्स. सो कंपेरिजन ऑपरेटर्स भी बहुत सिंपल होते हैं और प्रोग्रामिंग में जनरली आप जब लॉजिक बिल्ड करते हो तो वहां पे बहुत काम आते हैं. इट्स बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू. ठीक है, सो इट्स बेसिकली दैट. मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं. प्रिंट x ग्रेटर देन y, ट्रू, क्योंकि x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 2 है. x लेस देन y, फॉल्स. x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x less than equal to y, false. फिर आता है आपका x equal to y, false आएगा. और lastly x not equal to y, true आएगा. ठीक है, so these are your comparison operators. इनको relational operator भी बोला जाता है. So it's basically greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, double equal to, and not equal to. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू लॉजिकल ऑपरेटर्स जो काफी यूज होते हैं लॉजिक बिल्डिंग में. सो मान लो x का वैल्यू है ट्रू और y का वैल्यू है फॉल्स, तो तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, नॉट. ठीक है, सो अगर मैं लिखूं प्रिंट x और y, आपका आउटपुट विल बी ट्रू, क्योंकि और का लॉजिक क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो आंसर ट्रू हो जाता है. फॉल्स कब होगा? जब दोनों फॉल्स होंगे. ठीक है, अगर मैंने यहां पे भी फॉल्स लिखा होता तो ये फॉल्स आया होता. ठीक है, सो वापस इसको मैं ट्रू कर रहा हूं. नेक्स्ट इज एंड ऑपरेटर. एक्स एंड वाई, फॉल्स आता है. एंड ऑपरेटर सिर्फ तभी ट्रू होता है जब दोनों वैल्यूज ट्रू होती हैं, बाकी सभी वैल्यूज के लिए फॉल्स होता है. ठीक है, एंड लास्टली नॉट एक्स, एंड दिस विल गिव मी फॉल्स, क्योंकि एक्स का करेंट वैल्यू इज ट्रू. यहां पे अगर मैं वाई लिखूं तो ये ट्रू आ जाएगा क्योंकि वाई का करेंट वैल्यू इज फॉल्स. ठीक है, ये ऑपरेटर भी आप बहुत यूज करोगे फ्यूचर में.
ओके. नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज बिटवाइज ऑपरेटर्स. ये थोड़ा सा अलग होते हैं, एक बार इनको देख लेते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं. सो बिटवाइज ऑपरेटर्स हमेशा याद रखना बाइनरी वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. लेट्स से एक्स का वैल्यू है 2, वाई का वैल्यू है 3, राइट. अब अगर मैं लिखूं एक्स एंड वाई, ये एंड है लेकिन ये बिटवाइज एंड है, ये नॉर्मल एंड नहीं है. ये एंड ऑपरेटर लॉजिकल एंड ऑपरेटर है और ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर है. इसका वैल्यू होगा 2. नाउ यू माइट बी थिंकिंग 2 कैसे आया. हो क्या रहा है, पहले आप x को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो. इफ आई एम करेक्ट, x का बाइनरी होता है 010, और x का बाइनरी मतलब 2 का बाइनरी, और 3 का बाइनरी होता है 110, ऐसे लिखते हैं, ठीक है. अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, एंड ऑपरेटर चलाना है, ठीक है. तो 01 का 0, 11 का 1, 00 का 0. सो दिस इज द बाइनरी पैटर्न ऑफ 2 अगेन, एंड दैट इज व्हाई आपका आंसर 2 आया, ठीक है. दैट इज हाउ दिस एंटायर थिंग इज वर्किंग. आप क्या कर रहे हो, x के वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो, y के वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो, और उसके ऊपर एंड ऑपरेशन लगा रहे हो, ठीक है. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो डू x और y. अब आपका आंसर 3 आएगा क्योंकि अब आपने क्या किया, आपने और ऑपरेटर लगाया. तो 01 हो जाएगा 1, 11 हो जाएगा 1, और 00 रह जाएगा 0. और ये किसका बाइनरी पैटर्न है, 3 का. दैट इज वाई योर आंसर इज 3, ठीक है. इसके अलावा भी कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक x राइट शिफ्ट 2, y लेफ्ट शिफ्ट 3, ठीक है. और फिर वंस कॉम्प्लीमेंट, मैं हमेशा ये भूल जाता हूं, x, ठीक है. तो ये वही है जो आपने बचपन में या फिर शायद अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, ये बिल्कुल वही चीज है, ठीक है. यू माइट आस्क कि बिटवाइज ऑपरेटर्स कब यूजफुल होते हैं. तो जब भी आप बाइनरी वैल्यूज के साथ काम कर रहे हो, वहां पे बिटवाइज ऑपरेटर्स यूजफुल है. जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको क्योंकि मैंने पर्सनली काम किया है. अगर आप कभी भी किसी इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, तो वहां पे आप इमेजेस के ऊपर फिल्टर्स अप्लाई करते हो, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट करना या फिर कोई स्पेशल फिल्टर अप्लाई करना. तो वो सारे फिल्टर्स को अप्लाई करने के टाइम आप अपने इमेज को 10 में कन्वर्ट कर देते हो, राइट, या नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हो. और फिर आप उसके ऊपर जो फिल्टर्स अप्लाई करते हो वो एक्चुअली ये ऑपरेशंस ही होते हैं, एंड और इनका कॉम्बिनेशन ही होता है, जिनकी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस आप क्रिएट कर पाते हो यूजिंग दोज फिल्टर्स. तो इमेज प्रोसेसिंग एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जहां पे आप बिटवाइज ऑपरेटर्स एक्सटेंसिवली यूज करते हो. और भी कुछ ऑपरेशंस हैं, और भी कुछ जगह हैं जहां पे रोबोटिक्स में जैसे कुछ जगहों पे यूज होता है बिटवाइज ऑपरेटर्स. बट मोस्टली अगर आप सिंपल वेबसाइट्स बना रहे हो या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो जो किसी मशीन पे चलेगा, वहां पर मोस्ट लाइकली आपको बिटवाइज ऑपरेटर्स उतना काम नहीं आएगा. बट एज अ पाइथन प्रोग्रामर आपको आइडिया होना चाहिए इन ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर. गेस व्हाट, ये ऑपरेटर आप पहले भी यूज कर चुके हो, असाइनमेंट ऑपरेटर. अगर आपने a इज इक्वल टू 3 लिखा और फिर आपने प्रिंट किया a का वैल्यू, तो ये जो इक्वल टू है इसी को बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर. आप एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर रहे हो, सो दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है. असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे कि आप ये लिख सकते हो, आई कैन इनफैक्ट राइट इट लाइक दिस, a प्लस इक्वल टू 3. अब अगर मैं प्रिंट करूं a, तो 6 प्रिंट होगा क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा इसका एक्चुअल मीनिंग इज दिस. हमने पहले a में 3 ऐड किया और वापस a में असाइन कर दिया, ठीक है. तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो. सिमिलरली आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, a माइनस इक्वल टू 3, ये भी आप कर सकते हो. सिमिलरली आप कोई भी और ऑपरेटर ऐसा यूज कर सकते हो, a मल्टीप्लाइड इक्वल टू 3. इनफैक्ट आप ये सब भी कर सकते हो, a ठीक है. इस तरीके से आप ऊपर आपने जो भी ऑपरेटर्स पढ़े उनको आप अपने इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंबाइन करके आप अलग अलग टाइप का असाइनमेंट्स कर सकते हो, ठीक है. एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए पाइथन के बारे में वो ये है कि
आपका पाइथन में ये काम नहीं करता, ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए, जो सी में आपको बहुत परेशान किया होगा, आपके बहुत मार्क्स कटे होंगे इसके कंफ्यूजन में कि पहले बढ़ाना है या इंक्रीमेंट करना है, तो ये चीज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती और ये इनवैलिड सिंटेक्स है। मतलब पाइथन विल नॉट अलाउ यू टू इंक्रीमेंट अ वेरिएबल्स वैल्यू यूजिंग दिस सिंटेक्स। अगर आपको वेरिएबल का वैल्यू बढ़ाना है तो आपको बस ये टेक्निक मिलेगा, ए प्लस थ्री या फिर ए प्लस इक्वल टू थ्री, यही दो टेक्निक्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट बट इतना बेसिक है कि इसमें हम ज्यादा और कुछ पढ़ नहीं सकते। नाउ कुछ और इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है। आइडेंटिटी ऑपरेटर ये चेक करता है कि कोई दो वेरिएबल्स सेम मेमोरी लोकेशन पर हैं या नहीं। आई गिव यू वन एग्जांपल, लेट्स से ए इज इक्वल टू थ्री है, बी इज इक्वल टू थ्री है और मैं प्रिंट कर रहा हूं ए इज बी और ये ट्रू आ रहा है। इसका मतलब कि ए और बी सेम मेमोरी लोकेशन पर हैं, सो दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, पहले तो उनका वैल्यू भी सेम है और साथ ही साथ वो सेम मेमोरी लोकेशन पे भी स्टोर्ड है। ठीक है, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, ए इज इक्वल टू हेलो, बी इज इक्वल टू हेलो और अब मैं प्रिंट कर रहा हूं ए इज बी, फिर से आ रहा है ट्रू। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये तो हमेशा ही होगा ना, अगर दो चीजें, मतलब अगर दो चीजों का वैल्यू सेम है तो वो सेम मेमोरी लोकेशन पे ही तो होंगी। ऐसा नहीं है, पाइथन में काफी चीजें डिफरेंट होती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने एक लिस्ट बनाया और एक और लिस्ट बनाया और अब मैं प्रिंट कर रहा हूं ए इज बी, अब देखो फॉल्स आ रहा है। सो ऑल्दो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू सेम है बट ये दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है। सो आपको यहां पे क्या समझना है कि इट डज नॉट मैटर, अगर दो चीजें सेम दिख रही हैं, इट डज नॉट इम्प्लाई कि वो दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे भी होंगी। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, ए इज इक्वल टू हेलो हाइफन वर्ल्ड, बी इज इक्वल टू हेलो हाइफन वर्ल्ड, अब प्रिंट करते हैं ए इज बी और देखो ये भी आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं, इक्वल स्ट्रिंग्स हैं बट ये दो अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है। ठीक है, तो अगर दो चीजें सेम दिख रही हैं, इससे आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो सेम मेमोरी लोकेशन पर है, बस आपको यही सीखना है। बाकी इज ऑपरेटर क्या बताता है कि दो चीजें सेम मेमोरी लोकेशन पे है या नहीं है। ठीक है, बस इतना ही आपको सीखना है। ओके, नाउ द लास्ट ऑपरेटर दैट वी आर गोइंग टू डू इज अ वेरी यूजफुल ऑपरेटर कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर। सो मेंबरशिप ऑपरेटर बताता है कि कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर है या नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सो एक्स इज इक्वल टू दिल्ली और मैं पूछ रहा हूं प्रिंट डी इन एक्स, मेरा क्वेश्चन है क्या डी दिल्ली के अंदर है या नहीं, और आपको आंसर मिल गया ट्रू है। ठीक है, अगर मैं इसका काउंटर, एक और ऑपरेटर होता है नॉट इन, जो इसका ठीक उल्टा काम करता है, वो आपको फॉल्स देता। ठीक है, तो आप कभी भी चेक कर सकते हो कि कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर है कि नहीं, और ये सिर्फ स्ट्रिंग्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मान लो आपके पास एक लिस्ट है तो आप यहां पे भी चेक कर सकते हो वन इन एक्स ट्रू आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहां पे लिखो फाइव, फाइव इन एक्स फॉल्स आ रहा है क्योंकि फाइव एग्जिस्ट नहीं करता। और ये लॉजिक एक्चुअली टपल पे भी एप्लीकेबल है, सेट्स पे भी एप्लीकेबल है और डिक्शनरीज पे भी एप्लीकेबल है। हम सभी के ऊपर ये चीज करके देखेंगे, राइट? बट मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको दूसरे लैंग्वेजेस में नहीं मिलता है। ठीक है, और अगर आपको खुद से ये बनाना पड़ता तो आपको लूप वगैरह चला के पता करना पड़ता कि कोई चीज किसी चीज के अंदर है या नहीं। पाइथन ने आपको एक डायरेक्ट ऑपरेटर दे दिया है जिसको आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द ऑपरेटर्स दैट यू यूज इन पाइथन। एक बार समराइज कर लेते हैं, सो वी हैव अरिथमेटिक ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स सारे, हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड नॉट और, हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं जो बाइनरी वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं, हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल टू, आइडेंटिटी ऑपरेटर है इज और मेंबरशिप ऑपरेटर है इन। ठीक है, इज और इन, ये दो अलग अलग ऑपरेटर्स हैं। बाय द वे एक चीज मैं भूल गया
कि आप इज की तरह नॉट इज भी यूज कर सकते हो, जैसे इन और नॉट इन होता है वैसे ही. आई एम सॉरी, तो इट शुड बी इज नॉट, या माय बैड, इज नॉट. तो जनरली मैं इज यूज करता हूँ, इज नॉट उतना मैं यूज नहीं करता, बट या आप इज नॉट भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो दैट्स इट इन दिस वीडियो. बस इतना ही करना था ऑपरेटर्स के बारे में. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इफ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे. ठीक है, सो दैट्स इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.